তো দেখি দেখি না আর উঠো যাও সুলঝে সুলঝে মেরে বাল পি স্কয়ার নে কিয়া কমাল। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দা পি স্কয়ার স্লন। পছন্দ না আই হ্যায়? वैसे तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, अभी राजस्थान में है। राजस्थान से सुबह सुबह ऑटो से जाएंगे क्या? हाँ। काफी टाइम हो गया, स्मेल आ रही है इसमें तो? हाँ, स्मेल भी आ रही है। बहुत ज्यादा स्मेल है। कितने दिन हो गए इसको? मैंने फोन कर दिया, 8 डेज हो गया। क्योंकि बहुत ज्यादा स्मेल है, 8 डेज की स्मेल नहीं है। मेरे को पता नहीं 8 डेज हो गए। कितने लंबे बाल थे आपके? नीचे देखना, नीचे नीचे देखो, नीचे नीचे नीचे। प्रसन्ना जी, आपकी स्कैल्प भी सूखने लगी है, ड्राई हो गई है पूरी स्कैल्प अंदर से भी। कैसे हो गया ये टैंगल, कैसे हो गए? कितने? 8 दिन से? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, जितनी इसके अंदर स्मेल है, 8 दिन हम ना ये काम रोज ही हमारा किया। तो आपकी लेंथ कितनी थी? इतनी इतनी कितनी लेंथ है? इतनी लेंथ है, क्योंकि बाल चलो टैंगल वो तो दिक्कत नहीं है, ये सुलझ भी जाएंगे, जो इसके अंदर जुए हैं वो भी निकल जाएगी, लीसिस जिसको आप लीक कहते हो, जो बालों में चिपकी होती है, जड़ पे नहीं होती है, वो बालों में चिपकी होती है, वो 20-50% वो रिमूव हो जाएगी, हो तो जाएगा, लेकिन ये 8 दिन का नहीं है। जितनी ज्यादा स्मेल है जितनी इसके हिसाब से ज्यादा है। कि ये हेड वॉश के लिए कितना टाइम हो गया आपको? हेड वॉश 10 डेज हो गया। 10 डेज हो गया, ठीक है। आप मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ना, क्योंकि आपका ना पूरी ये ड्राई हो गई है, इसके अंदर ये पूरा जम गया है, ये देख लो आप, अजीब सा हो गया, देखिए पूरा फंगल बन गया ये। अच्छा, इससे सिर्फ आपके टैंगल नहीं हो रहे हैं, ग्लेसिंग नहीं हो रही, इससे आपकी स्कैल्प भी खराब हो रही है, हेयर की प्रोडक्शन भी कम हो रही है, अंदर अंदर स्कैल्प पे जुए भी है ना, ऊपर लैसेस के एक तो आपको अंदर अंदर आपको फील भी होता है, खुजली होती होगी ना, हो रही है ना खुजली, तो वो चीज़ें ना अंदर अंदर फंगल बना रही है, आपकी स्कैल्प को खा रही है। सिर्फ आपको टैंगल नहीं है, टैंगल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जुए और वो बैक्टीरिया अंदर है ना, जो इतनी इतनी मोटी पपड़ी जम जाती है हेयर, हम जो हम तो करते रहते हैं, आपको फील होता है खुजली उजली है ना, तो वो चीज है, क्योंकि वो आपके स्कैल्प को भी खराब कर रही है। आपके हेयर देख लो नीचे से, प्रोडक्शन वाले जो हेयर है ना, इतना हेयर चलो टैंगल है, लेकिन नीचे का जो हेयर आपके रूट से यहाँ तक का हेयर वो तो ग्लोसी होना चाहिए था ना, तो न्यू प्रोडक्शन हो रहा है ना, ऊपर के बाल उलझे भी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से तो फिर भी प्रोडक्शन होएगा ही होएगा ना हेयर का, वो तो बड़े होने चाहिए, लेकिन वो वाले हेयर भी बिल्कुल ड्राई ड्राई आ रहे हैं, ठीक है प्रसन्ना जी। इसके अंदर आपके जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग 7-8 घंटे लग जाएंगे, बाल आपके सीधे हो जाएंगे। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. So, देख लिया आपने? ये वाटर जैसा ही देखो, पानी जैसा ना? लेकिन जैसे ही ये फंगल के टच में आता है तो ये वाइट हो जाता है, मिल्की है, देखो मिल्क की तरह निकल रहा है, ठीक है। तो ये हेयर डिटेंगलिंग होता है, तो आपको जहाँ पे भी टेंगल है, इससे दो फायदे हैं, इससे दो फायदे हैं, एक तो आपका टेंगल तो रिमूव करता है, लेकिन जो स्मेल होती है उसको भी खत्म कर देता है। तो ये काफ़ी जब भी यूज़ करना है इसको, शेक बिफोर यूज़, उसको बनाना पड़ता है, जो दोनों बोतलें आती हैं उनको तीनों बोतलों को मिला के सलून स्पेशल जब ही बनता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये आंखों में लगता बहुत है, हाथों में भी लगता है, जब भी यूज़ करना है ग्लव्स पहन के यूज़ करना है, क्योंकि आपकी नाखूनों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप लोगों को, ये देखिए कैसा हो रहा है, लगते ही वाइटिश हो जाएगा ये, जहाँ पे भी लगाओगे देखो यहाँ पे हैंड टू हैंड वाइट होगा थोड़ी देर में, ज़्यादा फंगल होगा, अगर देखो यहाँ पे मारो तो यहाँ पे नहीं हो रहा वाइट, क्योंकि यहाँ पे फंगल नहीं है, यहाँ पे देखो होने लग गया ना वाइट, तो ये चीज़ है, जहाँ पे भी वाइटिश फंगल होगा वहाँ पे ही असर करेगा ये सलून स्पेशल प्रोफेशनल्स का, एसएस प्रोफेशनल का हेयर डिटेंगल, ओके। ये दिख रहा है आपको पूरा वाइटिश हो गया, अब ये कहना है कि आपके डस्ट को निकालता हुआ ला रहा है, फंगल को भी खत्म कर रहा है काफी हद तक, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लाइसिस वाला
ट्रीटमेंट भी लगा देंगे, जो फंगल होकर क्रिएट होकर जुए जो बनी है वो भी खत्म हो जाए। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। तो गाइस ये देखिए कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप तो देखेंगे तो 80% इनका डिटेंगल हो गया है और जो लाइसिंग थी वो भी रिमूव कर रहे हैं हैंड टू हैंड हम काफी हद तक। तो ये देखिए अब बाकी बस ये एक सेक्शन ही बची है, ऑलमोस्ट 3 सेक्शन के हो गए हैं। उनकी लाइसेंस की कंडीशन मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आइए, इधर कम 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 फास्ट 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 ऊपर देखना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि क्या करते ऊपर ऐसे देखिए, ये दिख रहा है, ये पूरी ये पूरा गुच्छा है, देखिए पूरा का पूरा गुच्छा है, ये देखिए इस लेवल तक का है। ठीक है तो सो गाइस ये होने वाला ऑलमोस्ट 1 घंटे में, अभी भी छोटे से उसमें भी 1 घंटा लग जाता है तो आपको बता दूं मैं, ये इतने से बचा उसमें भी 1.5 घंटा लग जाएगा अभी। और टोटल जब से आए मैडम राजस्थान से रात को 11 बजे बैठी थी, सुबह 7 बजे उठी है, सैलून पे पहुंची है, 1 घंटा सैलून 10 बजे खुलता है। तो मैं बता दूं दिल्ली में सैलून, ये हर वीडियो के बाद कमेंट आता है, हर एक वीडियो पे कमेंट आता है डेली। अब मैं हर वीडियो के अंदर ना नाम लिया करूँ कि वेलकम टू वेलकम बैक पी स्क्वायर सैलून दिल्ली ऐसे करके, तो आपको पता चल जाया करेगा। ठीक है तो ये होने वाला है ऐसे बड़े, थोड़ा सा पेनफुल तो होता ही है, देखो कितना भी हम कैसे भी करें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लगाएं, प्रोडक्ट तो डिटेंगलिंग का है, वर्ल्ड वाइज एक ही ब्रांड है जो प्रोडक्ट बनाता है, हेयर डिटेंगल का प्रोडक्ट बनाता है जो बालों को फुला के सॉफ्ट कर देता है, तो उसके बाद भी हल्का सा खींचेंगे तो रूट से तो हल्का सा तो पेन होता है, बहुत वेरिएबल है वैसे, ऐसा कुछ हार्ड और एंड फास्ट नहीं है। और इन काम में प्रोसेस में जब भी आप आएँ तो टाइम लेके आएँ, 5-6 घंटे लगते हैं। ओके जितनी लंबी मैम कितनी लंबी लेंथ है, पूरा बंच बन गया था आपको दिखाया गया था पहले, तो ये चल रहा है स्टेप टू स्टेप, अब हो जाएगा होने वाला है। ओके थैंक यू। ये देखिए कि कैसे लाइट ट्रीटमेंट वर्क करता है, लगाने के बाद ऐसे भागती जुए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नीचे लाओ नीचे इधर लाओ, देखो सारी जुए ऊपर आ गई, दिख रही है आपको ये सारी जुए, आप स्कैल्प देखोगे स्कैल्प साफ हो गई है बिल्कुल, और उसके बाद भी एक आधी बच जाती है तो एक 99% तक की गारंटी है, बाकी तो अगर आपके एक्सेस में है तो 2-3 सेटिंग भी हो सकती है इसकी। ये देखिए ये सारी लाइसेंस है, देखिए क्या चल रही है, ये देखो चलती हुई दिख रही है, ये सारी अब मोस्ट करके निकल जाएंगी काफी तक। सो गाइस देखिए रिजल्ट फाइनल आ गया, बहुत सारी मेहनत था। मैडम आप कुछ कह रहे थे कि जब आप इसके ये हो रहा था कितने सैलून में गए तो क्या कहा उन्होंने लोगों ने? They told they can't do it. अच्छा उन्होंने कहा कि वो नहीं कर सकते, उनके बस की नहीं है। एक सैलून में गए थे, बहुत सारे सैलून में गए थे आप? मैं 5 सैलून्स में गए। 5 सैलून 5-6 सैलून में गए थे तो उन्होंने क्या बोला? इधर मैं नहीं करूंगी। अब नहीं होगा है? ओके मतलब होएगा ही नहीं। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? YouTube से पता चला। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ, आप इतनी देर मेहनत के बाद ये देखिए ये रहे बाल, ये देखो सुलझे सुलझे मेरे बाल, पी स्क्वायर ने किया कमाल, ये देखिए अब कैसा लग रहा है, ऐसे बाल लाए थे कैसा गुच्छा सा लाए थे, फीलिंग रिलैक्स? ओके दैट्स ग्रेट। ओके गाइस देख रहे हैं आप 4-5 घंटों के बाद, बहुत पेन तो था ही थोड़ा बहुत, लेकिन अब अच्छा फील हो रहा है, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे, अब यहाँ से राजस्थान जाएंगे अब आप? ठीक है, और इनको और अच्छा कराना है या और क्लीनिंग और बेटर कराना है तो 15 दिन के बाद एक और विजिट दे सकते हैं आप। ओके okay?